हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, एमएस एंगल। एमएस एंगल का वेट कैसे निकालते हैं, 1 मीटर एमएस एंगल का वेट कितना होगा हम, ठीक है। किसी भी एमएस एंगल जो आता है हमारा, एमएस ये हमारा एमएस एंगल है। मार्केट में जो हमारा एमएस एंगल जो अवेलेबल होता है वो 6 मीटर का लेंथ होता है उसका, ठीक है। तो किसी भी एमएस एंगल का साइज का, कोई भी साइज का एमएस एंगल हो, उसका वेट कैसे निकालेंगे, मैं इस वीडियो में पूरा एक एक डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को हम आगे पूरा डिटेल से आपको एक एक स्टेप बाई स्टेप समझाते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने ये दिख रहा होगा, मार्केट में जो अवेलेबल होता है, मार्केट में अवेलेबल ये 6 मीटर का लेंथ होता है। जो हमारा एंगल जो है वो 50 बाई 50 का, इसका जो थिकनेस है वो 6 mm है। जैसे कि आप लोग ये फ्रंट व्यू से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो थिकनेस दिया हुआ है 6 mm, और यहाँ से ये 50 बाई 50 का एंगल है, ठीक है। अगर हम यहाँ सेंटर से ले लेते तो 50 mm इधर और 50 mm इधर होता, ठीक है। तो हमारा जो थिकनेस कितना है, 6 mm है। इसीलिए हम यहाँ से एक बी सेक्शन हो गया, और हमने यहाँ से यहाँ नीचे तक लिया, यानी ए सेक्शन हो गया, ये बी सेक्शन हो गया, ठीक है। तो हम इसमें 6 mm ऐड हो गया, ये कितना हमारा 56 mm हो गया, और यहाँ से यहाँ 44 mm हो गया इसका, ठीक है। चौड़ाई जो होता है 44 mm इधर हो गया, और इधर हो गया अपना 56 mm, ठीक है। तो हमारा थिकनेस पता चल गया। तो हम एम एस एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ एंगल इनटू डेंसिटी, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा ए सेक्शन है, ये हमारा ए सेक्शन है, उसका हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। उसके बाद बी सेक्शन का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा चौड़ाई पता है, हमारा थिकनेस पता है कि एंगल का कितना है, 6 mm है, और इसका जो लेंथ पता है हमारा एंगल का कितना, 6 मीटर है, ठीक है। वैसे ही हम इसका सबसे पहले ए सेक्शन का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। इसका जो क्वांटिटी निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा कि हमारा वेट कितना आएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए कितना था हमारा, 56 mm चौड़ाई था, ठीक है। तो हम इसको 1000 से भाग कर दिए, क्योंकि mm में था तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, 6 mm हमारा थिकनेस था, इसमें भी 1000 से भाग कर दिए, इनटू यहाँ पे 6 मीटर लिखा है, यानी कि जो एंगल का लेंथ है वो 6 मीटर है, ठीक है। इसको जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.00206, ठीक है। हमारा इसका ए का वॉल्यूम निकल जाएगा। वैसे ही हमको सेम टू सेम बी का वॉल्यूम निकालना है। बी का वॉल्यूम निकालने के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 44 mm। इसका जो थिकनेस है एम एस एंगल का वो कितना, 6 mm का थिकनेस है। इसका जो लेंथ है कितना है, 6 मीटर है, ठीक है। तो हम उससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बी सेक्शन जो हमारा, ये बी सेक्शन हमारा यहाँ से यहाँ तक का कितना चौड़ाई है, 44, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 44 mm हमने लिख दिया, या थिकनेस कितना है 6 mm, और लेंथ कितना है, पूरा लंबाई कितना है, 6 मीटर, ठीक है। 44 mm है तो इसको 1000 से भाग किया, क्योंकि इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया, या 6 से मल्टीप्लाई किया, या हमारा निकल के इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है, 0.001584 इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो हम इसका वेट निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू डेंसिटी, ठीक है। ए हमारा निकल गया, बी निकल गया, तो ए और बी को जोड़ देंगे प्लस, ठीक है, ए और बी को जोड़ देंगे, जैसे ए प्लस बी कर देंगे तो हमारा ए और पी जोड़ेंगे, दोनों का हम ऐड कर लेंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा, और जो हमारा डेंसिटी है 7850, ये ध्यान रखिएगा, 7850 लिखा हुआ, 7800 यानी 7850 लिखा हुआ। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12.43641 kg, यानी 12 kg 436 ग्राम हमारा ये हमारा वेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। 12.43641 kg हमारा इसका वेट निकल जाएगा। ये हमारा वेट कितना है, 6 मीटर सर, 6 मीटर एंगल का वेट निकल के आ गया। वैसे ही हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 मीटर का हमारा वेट कितना निकल के आया, 12 kg 436 ग्राम जो हमारा ये वेट निकल के आ गया, ठीक है, हमारा केजी में, ठीक है। तो अगर हम 1 मीटर का वेट अगर निकालना है, तो 1 मीटर का वेट निकालने के लिए यहाँ पे ये हमारा कितना था, 6 मीटर का वेट था, तो हमें इसमें 6 से भाग कर देंगे तो हमारा 1 मीटर का जो वेट निकल के आएगा 2.07 kg निकल के आएगा, ठीक है। ये ध्यान, 1 मीटर का हमारा, 1 मीटर एम एस एंगल का वेट जो निकल के आया 2.07 kg, ठीक है। ये हमारा जो एंगल था कितने बाई कितने का था, 50 बाई 50 का था, और लेंथ कितना था, 6 मीटर था। हमने 1 मीटर का भी निकाल के दिखा दिया आपको, ऐसे ही और कोई भी साइज का और आपको एंगल मिल जाए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, हमारा 50 बाई 50 का एंगल था। आपको अगर 35 बाई 35 या 60 बाई 60 का अगर एंगल मिले, सेम टू सेम आपको प्रोसेस उसने अपनाना है। बस ये ध्यान रखना, उसका थिकनेस 6 mm है, 5 mm है, 8 mm है, ठीक है। एम एस एंगल का थिकनेस हमारा 5 mm या कहीं कहीं 6 mm भी आता है, ठीक है, 6 mm और 5 mm, इससे ज़्यादा का आपका एंगल मार्केट में अभी नहीं मिलता है। हम किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में हम यूज करते हैं तो
ज़्यादातौर पर हम 6 mm का ही यूज करते हैं, इसीलिए हमने आपको पूरा डिटेल से समझाया कि 6 mm का MS एंगल का वेट कैसे निकालते हैं, 50x50 का हमारा एंगल है उसका वेट कैसे निकालेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ सीख गए होंगे। अगर आपने कुछ ना कुछ सीखा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।